जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ये ले लो ना प्लीज। देखो तो क्या भविष्यवाणी लिखी है इसमें। थैंक गॉड बाहर नहीं गया। कल आप उससे मिलोगे जो आपको आंखें बंद करके भी दिखता है, जो आपके दिल में है। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा, मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा शबीर डूबा। शबीर मिलने वाला है। ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ, तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में, है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा, मैनू इश्क तेरा। इसे क्या हो गया? इसकी शादी पक्की हो गई है? अरे वाह! अरे रणबीर मेरे भाई, मेरी जान, लाइफ ने दिया मैं सेकंड चांस, सो कम लेट्स डू। तेरा रिश्ता पक्का हो गया? यही ना बात, अब तो डेस्टिनेशन वेडिंग, बहुत सारा हनीमून, हाँ नाइस गुड। लेकिन एक सेकंड, तेरी तो बैंड बजी हुई थी, उसने तो हाँ कैसे बोला? I'm sure तूने उसको हाँ बोला, तूने बोला ना उसको हाँ? मैंने उसको हाँ नहीं बोला। तो उसने तुझे हाँ बोला? अरे पगले, उसने मुझे ना बोला। तो कैसे, मतलब क्या? मैंने तेरे भाई को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया उसने तुझे? एक सेकंड, तू नाच क्यों रहा है? अगर उसने तुझे रिजेक्ट किया, तुझे सैड होना चाहिए ना, देवदास बनना चाहिए तुझे। क्योंकि मैं यही तो चाहता था पगले, मुझे रिजेक्ट कर दे। पर तू ऐसा क्यों चाहता था? क्यों चाहता था? एक्टर, तुझे नहीं पता? एक बात बता, तू आज भी शाहाना को याद करता है? मुझे ना घुटन सी हो रही है, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, आप सबके बीच खड़े होने में भी बहुत बुरे हो आप सब। नहीं, मैं उसे बिल्कुल मिस नहीं करता। देख, तू ये बात जानता है ना कि तू मेरा भाई होने के साथ साथ मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। तू मुझे बता सकता है, यू कैन शेयर इट विद मी। आई नो तू है, तू मेरे साथ है, बस मेरे लिए बहुत है। हेल्प मैनेज एवरीथिंग। मैं तेरे साथ हूँ एंड हमेशा रहूँगा भी, नो मैटर व्हाट। तुझे याद है मैंने बोला था कि कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं? तो ये वो वाला रिश्ता है। वो दिल से दिल की कनेक्शन वाली बात थी ना, वो सच थी। आई एक्चुअली मीन इट। चल, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, सी यू। तुझे कैसे बताऊं रणबीर, मैं शाहाना को बहुत मिस करता हूं। शाहाना? अब दादी आप आइए ना। बेटा, डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया आपने। क्या छुपा रही है? ये एल्बम। एल्बम? अच्छा, तो पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। दादी, मैं ये फोटोज देखकर कभी कभी सोचती हूँ तो विश्वास ही नहीं होता है। भगवान जी लाइफ सबके लिए इतनी टफ करते हैं, इतनी कठोर बनाते हैं कि
उनका हमारे साथ ही कोई स्पेशल कनेक्शन है। तू ऐसा क्यों बोल रही है? उसने कभी किसी का गलत नहीं किया, हमेशा सबका अच्छा ही चाहा है, अच्छा ही करने की कोशिश की। पर आपको भी पता है ना कि उसके साथ क्या हुआ, क्यों हमेशा उसके साथ इतना गलत होता है, क्यों उसके पास खुशी आने से पहले ही चिन जाती है, क्यों होता है दादी उसके साथ ऐसा? ये देखो प्रज्ञा मासी की फोटो। प्रज्ञा मासी प्राची, प्राची जान थी प्रज्ञा मासी की, लेकिन प्रज्ञा मासी भी प्राची से दूर चली गई। और फिर मैं, फिर क्या दादी? मैं ना ये फोटो देख रही थी रणबीर और उनकी फैमिली की, ये सोच रही थी कि रणबीर प्राची एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। पर रणबीर ने, आपको तो पता ही कि रणबीर ने प्राची को, अभी पल्लवी आंटी में हमेशा प्राची ने अपनी माँ देखी है, हमेशा। लेकिन इन्होंने कभी भी प्राची को अपनी बेटी तो दू, अपनी बहू भी नहीं माना। पता है कितना हर्ट हुई है वहां पे, मैंने उसका हर एक एक दुख देखा है। कभी कभी तो लगता है कि प्राची कितना सह ली थी, इतना उसने बहुत सहा है। दादी सच बताऊं, अगर मैं होती ना प्राची की जगह, मैं कभी नहीं सह पाती, पता नहीं वो कितना अकेला फील करती होगी। बेटा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो बुरा वाला पहलू क्यों देखती है? और प्राची हमेशा अच्छा पहलू देखती है, वही उसकी ताकत बनता है। ये सच है, अगर प्राची से कुछ रिश्ते बिछड़े हैं तो क्या हुआ, उसे कुछ मिला भी तो है। तू है, मैं हूं, हमारा प्यार है। प्राची कहाँ अकेले हुई? दादी भगवान जी को भी तो उसका साथ देना चाहिए ना, उसी के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? बेटा, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। अब देख, प्राची दिल्ली गई है, हो सकता है उसके साथ कुछ अच्छा ही हो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।